हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। कि किसी भी अगर शाइनी पार्टिकल पे जैसे लाइट फॉल हो रही है, किसी भी शाइनी पार्टिकल पर अगर लाइट फॉल होगी और वो उस पर स्ट्राइक होने के बाद उसने अपना एंगल चेंज करके रिफ्लेक्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोई ये शाइनी पार्टिकल है, इस पर भी लाइट आई और इसने क्या किया कि इस ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल से ये लाइट आई और इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। यानी ये तो लाइट आई और इधर से लाइट चली गई, रिफ्लेक्ट होके वो वापस चली गई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन को हम ऐसे बता सकते हैं कि कोई भी अगर लाइट किसी शाइनी पार्टिकल पर स्ट्राइक करे तो वो अपना एंगल चेंज करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो रूल है जिसको हम देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था कि कंसिडर करो ये आपका कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एक ये लाइन आई, एक रे ऑफ लाइट आई है और इस पे स्ट्राइक करने के बाद ये वापस चली गई। ठीक है, ये तो वो रे है जो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जो रे आई है इसके पास उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और जो इससे स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो इसका जो एक रूल है वो क्या रूल है कि जिस एंगल से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आई है वही सेम एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल लाइट। देखो, जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो अगर हम इसमें एक नॉर्मल लाइन खींचे, ठीक है, जो इसके मिडल से होते हो जाते हैं, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो इस नॉर्मल लाइन से क्या होगा, जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे है जिसको अगर हम आई बोले, आई को हम डिनोट कर रहे हैं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और एक एंगल जो यहां बन रहा है, ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको हम लिखते हैं रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या था, पहला लॉ तो यही है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल, है ना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल इंसिडेंट रे का होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे का, वही सेम एंगल ये होगा। मतलब अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहला लॉ तो ये भी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। उसके बाद जो दूसरा है कि आपकी इंसिडेंट रे, अब से हम लिख लेते हैं इंसिडेंट रे, और दूसरा क्या है रिफ्लेक्टेड रे एंड तीसरा क्या है नॉर्मल लाइन। ये किस पे होगी, एक सेम सरफेस पे होगी, ठीक है, ऑन सेम जो दूसरा लो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन ये एक ही सरफेस पे होंगी। ठीक है, यानी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे होंगी, इसी पॉइंट पे इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है,
उसी से इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है हमारे वन और टू, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर हम जो मिरर यूज करते हैं, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं, वो एक बार देखते हैं। तो हमारे पास जो मिरर है वो है, एक है आपका कॉनकेव मिरर और एक है कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। अगर हमको डिफाइन करना हो तो जैसे कि ये है आपका कॉनकेव मिरर और सेम ऐसे ही इसको ऐसे करते हैं, तो ये है आपका कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। ये है आपको कॉनकेव मिरर और ये है कॉनवेक्स मिरर। जैसे कि कोई स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, अगर इसको बीच से काट दिया जाए, ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो हो गया आपका कॉनवेक्स मिरर, क्योंकि इसके पीछे की तरफ इसने कोटिंग मिरर, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है वो हमने यूज कर लिया है कॉनकेव मिरर, हमने क्या करें इसकी तरफ ये कोटिंग कर दिया। तो ये वाला चला गया है कॉनकेव मिरर की तरफ और ये वाला चला गया है कॉनवेक्स की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से स्फेरिकल मिरर को दो मिरर में डिवाइड किया गया है, एक कॉनकेव मिरर है, कॉनवेक्स मिरर है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कॉनकेव मिरर को, कि जिसका शाइनी पार्टिकल इनवर्ट हो, ठीक है। द शाइनी पार्टिकल इनवर्ट इन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड द शाइनी पार्टिकल आउटवर्ड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉनवेक्स, ठीक है। तो अगर हम पहले कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसका जो इनर वाला पार्ट होता है वो शाइनी पार्टिकल है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका आउटर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा शाइनी पार्टिकल, ठीक है। बाकी इसके जो ये मैंने लाइन ड्रॉ किए हैं ये एक्चुअली कोटिंग है, ठीक है, यहाँ पे कोटिंग होती है। सबसे पहले हम फिर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसके पार्ट्स देख लेते हैं, जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसके हिसाब से। जैसे कि हमने क्या किया, जो ये कॉनकेव मिरर था, जैसे कि मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर था, उसको बीच से कट किया, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था इसको यहां से क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। जो इनर वाला पार्ट है वो आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये पूरा सर्कल है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, मैं इसको ही कंप्लीट करूंगा इसको करके। तो ये पूरा सर्कल है और इसका ये सेंटर है, ठीक है। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी हम सी को बोलते हैं, क्योंकि क्या है कि इस सर्कल का सेंटर तो ये सी है, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे सी डिनोट किया है, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये वाला पॉइंट है मिडल पॉइंट इसका, इसको हम बोलते हैं पी, इसको हम डिनोट करते हैं पोल से, इसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। और जो डिस्टेंस है आपका सी से लेके पी तक, ठीक है, जो सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सी से पी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल, ठीक है। और एक और चीज कि सी से और जो पी तक का जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ, और इस दोनों का जो मिड पॉइंट है सी से पी के बीच में जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एफ। अब ये एफ क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है। तो ये सी हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हो गया फोकस पॉइंट, पी हो गया पोल, डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पार्ट्स हैं जो मिरर के से रिलेटेड हैं, जिसको हम आगे यूज करेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें ये यूज होंगे, ठीक है। चलो अब हम इमेज फॉर्मेशन में कुछ टर्म्स पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के, कुछ रूल्स हैं इसके।
चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रूल्स ऑफ कॉन्केव मिरर, या हम दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। इसमें यहां पे लिख देते हैं रूल ऑफ कॉन्केव मिरर, और इसी में कर देते हैं यहां पे रूल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये दोनों हमने ये लिखे, दोनों के रूल देख लेते हैं। तो इसका रूल देखते हैं, पहला रूल कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर का क्या हुआ। फर्स्ट रूल, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगी। उसके बाद हमारा मिडल पॉइंट एफ, फोकस पॉइंट। अब क्या होगा, पहला जो हमारा रूल है इसका, कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन आई किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट, कोई पैरेलल लाइन आई प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वो किससे कट होती हुई जाएगी, फोकस पॉइंट। ठीक है, मतलब कि कोई रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किससे पास होते हुए जाएगी, फोकस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला रूल, ठीक है, पैरेलल आई विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस। ऐसी सेम केस हम इसका देख लेते हैं, कॉन्वेक्स, बस इसका जो मिरर है वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसा है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या था, पैरेलल विजन फोकस से पास, इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, इस तरफ से तो रे ऑफ लाइट आएगी नहीं, क्योंकि इसका जो क्या पार्ट है शाइनी मटेरियल इस तरफ है। ठीक है, तो रे ऑफ इसका पहले हम, अगर हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट देखें तो वो इस तरफ होगा, क्योंकि इसका जो स्फीयर है वो ऐसे बनता है ना, इसका स्फीयर ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता, इसका स्फीयर ऐसे बनता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है और फोकस पॉइंट इसका। ठीक है, इसका उल्टा है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो कोई अगर पैरेलल लाइन आई है, सेम है जैसे इसका वैसे इसका ये, कोई भी पैरेलल लाइन आई वो क्या होगा, यहाँ पे किससे पास हो रही थी, फोकस, तो ये भी सेम यहाँ से फोकस से ही पास हो। ठीक है, लेकिन ये तो बिहाइंड द मिरर हो रहा है, एक्चुअली में क्या होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल हो गया कॉन्केव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, सेकंड रूल पे चलते हैं, जो सेकंड रूल है हमारा कॉन्केव मिरर का, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस O टू C फोकस पॉइंट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होती जा रही है, ठीक है, कोई इंसिडेंट रे फोकस से कट होती जा रही है, तो क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इंसिडेंट रे आई फोकस से पास होती हुई गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो गई इससे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड रूल। ऐसी सेम इसमें देखते हैं, सेम यही मिरर बनाएंगे, ये इसका F एंड ये इसका C। यहाँ क्या था, फोकस से पास, तो हम ऐसी कोई एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे, जिसका मतलब क्या होगा कि ये कहाँ से पास हो रही होगी, फोकस से। ठीक है, और जैसे ही ये रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट आई, तो ये तो बिहाइंड द मिरर पता लगेगा मिरर को कि वो फोकस से कट हो रही है, लेकिन एक्चुअली में होगा क्या, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें हम इमेजिन करेंगे बिहाइंड द मिरर के। ठीक है, क्योंकि हमें ये इमेजिन करना है कि कोई एक ऐसी रे ऑफ लाइट आ रही होगी जो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगी तो फोकस से पास होगी, और जब मिरर को ये पता लगेगी तो फोकस से पास हो रही है, तो एक्चुअली में बाहर क्या होगा,
रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल हो जाएगी? लेंस पर। ठीक है, एक जो लास्ट रूल है इसका, थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है? बहुत ही इजी है। पी सी एफ सेंटर कर्वेचर फोकस पॉइंट एंड कोर। इसमें क्या होगा, कोई रे ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर से पास हो रही है, यानी कोई राइट इंसिडेंट रे आपकी सेंटर कर्वेचर से पास हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई, है ना। तो ये जो रूल है या कोई कॉन्केव मिरर का है, ऐसी सेम केस आपका इसमें भी है, कॉन्वेक्स में। थर्ड सेमी मिरर बनाएंगे या फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्या देखना है हमें कि सेम ऐसे ही कि ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही, ये ऐसा मतलब कोई ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी है, और वो वापस क्या होगा, वापस उसी और चली जाएगी। ठीक है, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आई वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ तीन रूल्स थे इसके, कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के, जिसको हम इमेज फॉर्मेशन में यूज करें। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव। ठीक है, तो सबसे पहला हम ये जो हमने एक्चुअली जो बुक में गिवन है, एक टेबल है, टेबल में ही आपको सिर्फ शो कर रखा है कि एट इन्फिनिटी पे क्या होगा, बियॉन्ड सी क्या होगा, एट सी पे क्या होगा, तो कुछ टेबल्स में उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई जो आपकी इंसिडेंट रे है वो आपकी बियॉन्ड सी पे। ठीक है, और हम सबसे पहले क्या करते हैं, बियॉन्ड सी यानी सी से पीछे, यानी सेंटर कर्वेचर। ठीक है, तो ये है आपका कॉनकेव मिरर, यहाँ पे है आपका F, ये है आपका C। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो डिस्टेंस आप यूज कर रहे हो पोल से लेके F तक, वही सेम डिस्टेंस होगा F से लेके C तक। अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन P एंड F एंड F एंड C। तो बियॉन्ड C पे रखना है, यानी C से पीछे। तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, एक इमेज है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है इधर। अब देखते हैं इसका इमेज कहाँ। सबसे पहला हमने जो रूल पढ़ रखे हैं उन रूल को अप्लाई करेंगे। पहला हम क्या देखेंगे, पैरेलल इमेज के देखेंगे, उसके बाद फोकस पॉइंट स्पेस। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पैरेलल भेजा। ठीक है, पैरेलल पास करने के बाद क्या हमने पढ़ा था कि वो किससे पास हो जाएगी, फोकस से। तो पैरेलल पास करने के बाद किससे पास हो गई, फोकस। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दो कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रेज की जरूरत पड़ती है। जहां पे भी वो रेज मीट कर जाती है वहां पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एक रे तो ये हो गई। दूसरा हम फॉर्मूला अपनाएंगे, हम किससे पास करेंगे, फोकस से। हमने क्या किया, फोकस से पास किया। हमने पढ़ा था अगर हम फोकस से पास करते हैं तो वो किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब कि ये लाइन अब क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसको ऐसे रखते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये रे आई, एक तो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास हो गई। एक फोकस से गई, वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो मीटिंग पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट, यहाँ। इसके बाद कैसे हो जाएगा, एस। ठीक है,
ये आपका इमेज फंक्शन है। अगर ये हमारा ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है, ये हमारा है ए डैश पॉइंट और ये है हमारा बी डैश। ठीक है, अब जो हमारा इमेज बना है, अब हम उसके नेचर की बात करेंगे कि नेचर कैसा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, आप रियल है या इन्वर्टेड है। सबसे हम ये बात करेंगे कि रियल कब होता है, कि जो इमेज आपकी मिरर के सामने बने वो होती है आपकी रियल इमेज। तो ये क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ये आपका ऐसी इमेज थी, ये यहाँ पे ऐसी है ना। तो ये आपका जो इमेज नेचर क्या है इमेज का, वो है रियल एंड इन्वर्टेड। किस कहाँ पे बनी है ना, हम ये देखें कहाँ पे बनी इमेज। तो हम इसकी बात करें कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है फॉर्मेशन एट किधर, सी एंड एफ, किधर हुआ है, सी एंड एफ के बीच। आप इसका अर्थ लिख सकते हैं बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ अपर्चर एंड फोकस। ठीक है, दूसरा जो इमेज है वो बड़ी है या छोटी है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था जिस साइज का, उस साइज से इमेज छोटी है या बड़ी है कितनी है वो बताना। हम देख सकते हैं कि इसमें साइज इतना था, अभी इसमें छोटा है, तो इसका मतलब जो साइज है हमारा वो हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये। ठीक है, उसके बाद ये तीन चीजें हो गई हमारी, रियल इन्वर्टेड हो गया, दैट मीन सी एंड एफ हो गया, और जो है वो डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक इमेज फॉर्मेशन हो गया बियॉन्ड द सी। ऐसे ही हमारा आगे है कि जो इमेज है आपका वो सी पे, उस पर करते हैं हम हमें लिखते हैं ऑब्जेक्ट एट सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हम सी पे, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये है आपका सी और ये है आपका एफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सी पे है। ठीक है, सी से रेस गई कहाँ से पास होगी, पैडल है फोकस से, फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरी हम क्या करेंगे, फोकस से पास कराएंगे, कहाँ से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जैसे जाती है पैरेलल हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि इमेज जो है हमारी कहाँ बन रही है, एट सी पे ही बन रही है, यानी ये अगर ए है और ये बी है तो ये हमारा बी डैश हो जाएगा और ये आपका ए डैश। ठीक है, तो जब हम इसका इमेज फॉर्मेशन लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ, नेचर ऑफ इमेज क्या है आपका, रियल इन्वर्टेड, हमने लिख दिया रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा साइज क्या है, सेम है, सेम, कहाँ पे बनी इमेज, एट सी, हमने लिख दिया एट सी, और साइज भी सेम हो गया, एट सी हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए इस इमेज से रिलेटेड। ठीक है, ऐसी ही एट सी के बाद है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, उसको हम कर लेते हैं बिटवीन, लिखते हैं बिटवीन सी एंड, तो ये है आपका सी, ये है आपका एफ और ये है आपका पी, बिटवीन सी एंड एफ रखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या था, पैडल रेस भेजेंगे, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी, पैडल रे भेजा फोकस से पास, दूसरा फोकस से भेजा और वो पैरेलल हो गया। तो ये सी से थोड़ा पीछे, तो अगर हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है ये यहाँ हुआ है। ठीक है, ये ए डैश, ये बी डैश,
बी और ये, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन लिखेंगे तो सबसे पहले इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, दूसरा रियल है क्योंकि इमेज जो है वो मिरर के सामने बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज, यस इट यस है। थर्ड साइज में क्या है, ये छोटी थी और ये बड़ी है, यानी हमारी जो इमेज है वो लार्ज है, ठीक है। तो ये इसका हो गया बिटवीन सी एंड एफ, दैट्स सब्जेक्ट इमेज एट एफ, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एफ पे है, तो हमने ऐसे सेम इधर बनाया फोर सी एंड एफ, कहाँ पे है, एफ पे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमने पैरेलल वेजर, पैरेलल स्पेस स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास हुए ऐसे, ठीक है। अब जो हम पहले रूल अप्लाई करते थे कि फोकस से, अब इसमें फोकस से कैसे पास करें, फोकस से तो होगा नहीं, तो हम वो थर्ड रूल अपनाएंगे जो मैंने बताया था कि अभी सी पे अगर कोई रेज दे तो वापस सी पे चली जाए, है ना। तो मतलब कि कुछ रेज ऐसे आनी चाहिए यहाँ पे, ऐसे, यानी यहां से हम रेज को ऐसे भेजेंगे, ऐसे करके, ताकि वो किससे पास हो, सी से पास। एक रेज हमने पैरेलल भेजी फोकस से पास हो गई, एक रे हमने ऐसे भेजी यहाँ पे मिरर पे कि वो सी से पास हो, ठीक है। तो सी पे जो रेज आई है, जो रे सी पे आई है वही रे सी पे वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगी, पैरेलल, पैरेलल रेज, ठीक है। अब इसके इमेज फॉर्मेशन भी लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट बनेंगे। सबसे पहला इमेज हमारी रियल है, इन्वर्टेड है, हाँ जी रियल इन्वर्टेड है, क्योंकि देखो ये पैरेलल रेज आई है, तो फिजिक्स में क्या कहा जाता है कि कोई भी पैरेलल रेज जो होती है वो पैरेलल रेज इंफिनिटी पे जाके मीट करती है, है ना। कोई पैरेलल रेज है ये आगे कहीं जाके, आगे कहीं जाके ऐसे करूंगी इंफिनिटी पे जाके ये मीट करेंगी आप, ठीक है। तो ये जो इंफिनिटी पे जाके मीट करेगी, तो सबसे हम लिख लेते हैं इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी, दूसरा रियल होगा और इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड साइज क्या होगा इमेज का, और देखो ये यहाँ जाती रहेगी, यहाँ जाती रहेगी, यहाँ कहीं जाके मिलेगी, तो हम अगर ये ड्रॉ करेंगे तो देखो कितनी बड़ी इमेज हो जाएगी, ये इतना सा, ये इतनी बड़ी, तो क्या हो जाएगा ये हाईली एंड लार्ज, मतलब ज्यादा बड़ी, हाईली एंड लार्ज, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है। दूसरा करते हैं ऑब्जेक्ट एट, सॉरी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ये आपका एफ, ये सी और ये पी, ऑब्जेक्ट हम इन दोनों के बीच रखेंगे, यहां रख दिया हमने आपको, ठीक है। मैंने आपको पहले पॉइंट बता रखा है कि जो डिस्टेंस आप ये यूज करोगे सेम डिस्टेंस आप वही ये वाला यूज करोगे, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल भेजें किससे पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक। अब दूसरा फोकस से भेजेंगे या फिर सी से भेजेंगे, इसको हम फोकस से कैसे भेज सकते हैं। फोकस से अगर ये ऐसे जाएगा कहाँ जाएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे इसको दोबारा वही सेम केस करेंगे, इसको हम ऐसे रेज यहां भेजेंगे ताकि ये क्या हो, सी से पास हो, आप इसको स्केल से करना, ये कहा हो जाएगी सी से पास होंगे, और ये पैरेलल रेज नहीं होगी, ये डाइवर्जिंग रेज होगी, यानी ये रेज ऐसे होगी, ऐसे जाती है,
ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग रेज है तो ये नहीं मिलेगी, है ना। ये हम इसको क्या लिखते हैं, रेज विल नॉट बी मेट, है ना, रेज कहीं मिलेंगी नहीं। दूसरा, जब मिलेंगी नहीं तो इमेज बनेगी नहीं, है ना, इसका ये वाली पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट बचा है, इसको करते हैं, जो अब हमारा है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी से बहुत ही पीछे की तरफ, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो ये पी हो गए, सॉरी ये है और ये है आपका सी, तो यहाँ कहीं से रेज आ रही है, यहाँ से ये इन्फिनिटी है आपका, ठीक। यहाँ से एक रेज आई, पैरल है, पैरल है तो फोकस से जाएगी, ठीक है, ये भी कोई पैरल रेज है, ये भी किसे जाएगी, फोकस। अब देखो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, पैरल है फोकस से, नहीं पैरल है फोकस से, तो हम क्या देखेंगे, पहला इमेज क्या होगा, रियल होगा, हाँ रियल होगा क्योंकि मिरर के बाहर है। सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। दूसरा, इमेज का साइज क्या है, बिल्कुल पॉइंट साइज, क्योंकि फोकस पे ही बन रहा है, छोटी साइज है, तो हम इसको लिख सकते हैं।